नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर बेल्जियम वर्सेस बेलारूस। वर्ल्ड कप क्वालिफायर का ये मैच 31 मार्च को रात में 12:15 बजे से है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्रुप ई का मैच है जहाँ बेल्जियम सेकेंड पोजिशन पर है। दो गेम खेली है अब तक, जिसमें से एक जीती है, एक गेम ड्रॉ करी है। कुल मिलाकर इन्होंने 4 गोल स्कोर करे हैं और 2 कंसीड करे हैं। बेलारूस अब तक केवल एक ही गेम खेला है, जो इन्होंने एस्टोनिया के अगेंस्ट खेला था। वो गेम ये आराम से 4-2 जीत गए थे और ये थर्ड पोजीशन पर बेस्ड है। बट याद रहे दोस्तों, बेल्जियम वर्ल्ड की नंबर वन टीम है, जबकि बेलारूस वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी पीछे है। ये डेफिनेटली एक वो एनकाउंटर होगा जहाँ बेल्जियम विल स्टार्ट एज फेवरेट। क्वेश्चन सिर्फ ये होगा कि बेल्जियम कितने गोल स्कोर कर सकती है। ये वो टाइप का गेम हो सकता है दोस्तों, जहाँ बेल्जियम कैन ईजिली गो अहेड एंड स्कोर 4, 5, 6 गोल्स एंड माइट एज वेल कीप अ क्लीन शीट। तो ये डिसीजन आपको लेना है दोस्तों कि आप किस स्कोर लाइन को चेस कर रहे हो इस पर्टिकुलर गेम में। आपकी टीम्स उसी तरीके से आप सेटअप भी करोगे। तो शुड यू गो फॉर अ फोर्थ बेल्जियम डिफेंडर और शुड यू गो अहेड एंड पिक अप एन एडिशनल अटैकर फ्रॉम बेल्जियम, इज द क्वेश्चन जो हम इस वीडियो के द्वारा आंसर करने की कोशिश करेंगे। की स्टैट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो बेल्जियम अपने पिछले 5 मैचेस में से 4 जीता है, 1 गेम ड्रॉ करी है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की फर्स्ट गेम इन्होंने वेल्स को 3-1 से हराया। चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट इन्होंने 1-1 ड्रॉ करी थी, जो पॉसिबली गेम की जो इन्होंने जीतनी चाहिए थी। कुल मिलाकर 12 गोल स्कोर करे हैं पिछले 5 गेम में। बेलारूस की बात करें तो पिछले 5 गेम में 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 गेम ये ड्रॉ करी है। कुल मिलाकर इन्होंने भी अच्छे खासे गोल स्कोर करे हैं पिछले 5 गेम में। बट इस गेम में इनका एक ही उद्देश्य होगा, हाउ कैन दे स्टॉप बेल्जियम फ्रॉम स्कोरिंग मल्टीपल गोल्स। अगर हम कुछ की स्टार्ट की बात करें तो बेल्जियम लास्ट 20 मैचेस अक्रॉस कॉम्पिटिशन में से 19 मैच में अनडिफीटेड है। बेलारूस का अवे फॉर्म देखो तो थोड़ा चिंताजनक है। लास्ट 4 अवे मैचेस में से 3 बार हारे हैं, 1 गेम ड्रॉ करी है। और इनके अगर लास्ट 5 गेम देखोगे दोस्तों, तो 3 में ऐसा हुआ है वेयर दे कंसीडेड 2 गोल्स और मोर। इस गेम में भी इस स्टैट को तो कोई चेंज नहीं होता दिखता। बेल्जियम अनडिफीटेड है अपनी लास्ट 30 होम गेम्स में। इस गेम में भी उनको हारना बहुत ही एक मिराकल टाइप्स होगा, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी टीम होगी बेल्जियम 2 विन। अब कितने गोल ये तो अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री चैनल है, फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, नॉट जस्ट फॉर दिस गेम, बट ऐसी कई सारी क्रिकेट फुटबॉल की गेम्स होती है जिसका हम वीडियो प्रीव्यू नहीं करते हैं, बट हमारी टेलीग्राम चैनल पे कवर कर लेते हैं। एक्सपर्ट 11 की बात करें तो बेल्जियम विल स्टार्ट इन 3-4-2-1। लुकाकू ऊपर की तरफ, ट्रोसार्ड, डी ब्रुइने मिडफील्ड से इनका सपोर्ट करेंगे, अलॉन्ग विद थॉर्गन हजार्ड, टिलमंस, टेंडोंकर और मुनियर। बेलारूस की बात करें तो 4-4-1-1 इज वेयर दिस शुड स्टार्ट। सिग्नेविच, लिसाकोविच विल ऊपर की तरफ खेलेंगे। लिसाकोविच बहुत ही तगड़े स्ट्राइकर हैं। मिडफील्ड से सविच्की, केंडाइश, मायवस्की और सासेविच, ये चारों इनका सपोर्ट करेंगे। अगर आप देखोगे दोस्तों, तो बेलारूस मे बी इन आइसोलेशन माइट बी अ डिसेंट टीम, जब आप उनको देख रहे हैं उनका कॉम्पिटिशन वर्सेज मिनोज, बट इन दिस गेम वी डोंट सी देम हैविंग एनी काइंड ऑफ अ चांस। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स की प्लेयर्स की, तो बेल्जियम की तरफ से अगर आप देखोगे तो लुकाकू इनके लीडिंग स्कोरर रहे हैं। तो रिसेंटली कंक्लूडेड यूएफए नेशंस लीग हुआ था, लुकाकू 5 गोल्स 1 असिस्ट पे थे। डेमराइस मेंटेन्स 3 गोल्स 1 असिस्ट, टिलमंस हैड 2 गोल्स, पचवाई 2 गोल था। डी ब्रुइने जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर्स हैं इस दुनिया के, ही स्कोर्ड 1 गोल गॉट 3 असिस्ट। इसके अलावा डिनायर जो कि इनके डिफेंडर हैं, उनका 1 गोल था। थॉर्गन हजार्ड हैड 1 असिस्ट, डेंडोंकर हैड 1 असिस्ट। इस गेम में बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मल्टीपल गोल्स कैन हैपन, आपको जरूरी होगा कि मेजर अटैकर्स आप भर लो फ्रॉम बेल्जियम। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 2 गेम्स अब तक ये टीम खेली हुई है। लुकाकू ने दोनों में मिलाकर 2 गोल स्कोर करे हैं। डी ब्रुइने का 1 गोल 1 असिस्ट है। थॉर्गन हजार्ड ऑल्सो 1 गोल 1 असिस्ट, बट ही इज ओनली प्लेड 1 गेम सो फार। मुनियर हैज 1 असिस्ट सो फार। और ये चारों हमारे दोस्तों कुछ तरीके से की प्लेयर्स या कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के टॉप पिक्स भी बन जाते हैं। बेलारूस की बात करें दोस्तों, तो इनके लिए इस पर्टिकुलर सीजन का जो 1 गेम खेले हैं जहां ये 4-2 से जीते थे, लिसाकोविच के 2 गोल थे, केंडिश का 1 गोल था, सविच्की का 1 गोल था। सविच्की बहुत ही तगड़े मिडफील्डर है। अगर आप बेलारूस लीग में भी देखोगे, इनका परफॉर्मेंस, केंडिश का परफॉर्मेंस, लिसाकोविच का परफॉर्मेंस काफी तगड़ा रहता है। सासेविच हैड 1 असिस्ट एंड किज़्लियाक हैड 1 असिस्ट। यहाँ से दोस्तों अगर आपको सीवीसी पिक में अगर किसी को पिक करना हो, मे बी अपनी जीएल टीम के पर्सपेक्टिव से, केंडिश माइट बी वन सच ऑप्शन अलॉन्ग विद लिसाकोविच एंड सविच्की। मोटा मोटा दोस्तों हमने दोनों तरफ के की प्लेयर्स जो हैं उनके सारे स्टैट्स देख लिए, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मेजर गोल कंट्रीब्यूटर्स कौन रहे हैं इन द रीसेंट पास फॉर आइदर ऑफ द टीम्स। तो जैसे ड्रीम इलेवन टीम की बात करते हैं, अप फ्रंट विल गॉट लुकाकू जो कि अपने आप में एक तगड़े कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक है, अलॉन्ग विद डी ब्रुइने एंड थॉर्गन हजार्ड। ये तीनों दोस्तों कैन रन रायट इन दिस गेम। कैंडिश जैसे हमने आपको बताया था कि कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर सीवीसी फ्रॉम बेलारूस इन दिस गेम। अगर आपको थोड़ी सी भी इच्छा हो कि बेलारूस के कोई प्लेयर पे पंट लेना हो,
इन योर जी एल टीम। स्मॉल लीग टीम में वी वुड नॉट रेकमेंड यू डू दिस। डिफेंस में अगर देखोगे तो वी गॉट ऑल थ्री डिफेंडर्स फ्रॉम बेल्जियम। मेकेले है, दिनायर है एंड मुनियर है, और आप देखोगे तो गोल कीपर हमारे गुटोर है। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे 10 प्लेयर पिक किए हुए हैं, एक गोल कीपर, 3 डिफेंडर, 5 मिडफील्डर एंड 1 स्ट्राइकर। हर पोजीशन की जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है दैट इज बीन मेट। यस, दोनों टीम से मिनिमम 4 प्लेयर होने चाहिए, वो क्राइटेरिया मेट है। यस, बजट बचता है 9.5। इससे अब आपको डिसाइड करना है किस तरीके से अपना 11th प्लेयर आप पिक करोगे, क्योंकि ये डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा इस पर्टिकुलर गेम में। क्या आप बेल्जियम टू कीप अ क्लीन शीट पे जाओगे? इफ यस, देन यू विल हैव टू पिक अप अनदर बेल्जियम डिफेंडर इन टोबी अल्डरवेल्ड। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम पॉसिबली मिडफील्ड में एक यू नो एक पिक कर देंगे, तो उस केस में आपको टीलमेंस की तरफ जाना होगा। अगर आप टीलमेंस पिक करते हो तो यहाँ से आपको करंट जो मिडफील्ड है उसमें से आपको एक जन को ड्रॉप करना होगा अमंगस्ट स्टासेविच, सबिस्की एंड कैंडिश। मे बी स्टासेविच कुड बी वन ऑप्शन वेयर यू कैन ड्रॉप हिम, पिक इन हिज प्लेस टीलमेंस, एंड देन आप किसी एडिशनल प्लेयर को पिक करना हो तो उसमें आप लिसा कोविच को पिक कर सकते हो एज योर स्ट्राइकर। एक और चीज आपको करनी हो तो आप ये कर सकते हो कि ट्रोसार्ड को पिक कर सकते हो, जो कि लिस्टेड है एज एन अटैकर। वी बिलीव दैट दिस क्रिएटिव फेलो विल डेफिनेटली बी इन्वॉल्व, शुड गेट अ नंबर ऑफ गोल्स। एंड मोटा मोटा दोस्तों ये आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं ऑफ शॉर्ट्स फ्रॉम द 11 प्लेयर्स टू फॉर्म योर 11th प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर गेम। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जो हमने आपके साथ शेयर करी है वो एक सैम्पल टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको डेडलाइन से 10 to 15 मिनट्स पहले हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसीलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने हाल ही में देखे होंगे मल्टीपल गेम्स में कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मेशन के बेसिस पे जो हम हमारा 11th प्लेयर पिक करते हैं वो वीडियो से थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा अलग होता है, और उसकी बदौलत कई बार हमें एक क्लीन स्वीप भी मिली हुई है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि फ्री चैनल है, फटाफट ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड वहीं से आप मल्टीपल गेम्स, नॉट जस्ट फॉर दिस गेम, जैसे कई सारी क्रिकेट फुटबॉल की गेम्स होती है जिसका हम वीडियो प्रीव्यू नहीं करते हैं, बट हमारी टेलीग्राम चैनल पे उसको कवर कर लेते हैं और आपको फायदा हो सकता है। याद रहे फैंटेसी स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें लत लगने की पॉसिबिलिटी होती है, तो प्लीज रिस्पॉन्सिबल गेमिंग करिएगा। जितना अपना रिस्क एपेटाइट हो उसके हिसाब से आप इसमें एंगेज करिएगा। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। जल्द मिलेंगे आपसे कई और क्रिकेट फुटबॉल और बास्केटबॉल गेम्स के एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।